की हिमायत करने वालों में एक और शख्स का नाम शुमार है और वो है दलजीत सिंह बिट्टू। दलजीत सिंह बिट्टू ने आतंकवाद के उस दौर में हथियार उठाए भी और चलाए भी। लुधियाना में हुई करोड़ रुपए की बैंक डकैती में इसका नाम आया और इसके अलावा कुछ और केस भी चले। इनमें से दो में सुप्रीम कोर्ट ने बिट्टू को जमानत दी है जबकि दो केस अभी भी चल रहे हैं। दलजीत सिंह बिट्टू ने पटियाला के पास अपने एक दोस्त के घर पर हमसे मिलने का वादा किया। दलजीत सिंह बिट्टू ने इस मुलाकात में हमसे साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत में रहते हुए सिखों का विकास नहीं हो सकता और एक अलग देश एक अलग विधान ही एकमात्र विकल्प है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट है जिस तरह का स्ट्रक्चर है एक एलीट या लेटेस्ट स्ट्रक्चर है एक्सपर्टेटिव है की है इंडियन स्टेट ये तो सिर्फ वाकई एक नेशन है एक बहुत सारे नेशंस ने कल्चर्स ने क्लब की तरह फोर्स मिली तब ब्रिट्स तो बहुत आया कि उन्होंने सारियां वो आजादियां है कि वो एक्सप्रेस करता सारे काम और रूल कर रहा है। सेपरेट का यह सेंस नहीं कि असं किसी को इन्हें कढ रहे इतने किसी हिंदू है ये बिल्कुल कोई गल नहीं या किसी इंटरेस्ट में रोक रहे हैं असी तो एक एग्जैम्पलरी एक आइडियल स्टेट का जो कंसैप्ट है प्रैक्टिस जो गुरु ग्रंथ साहब से देना चाहते हैं। कई सालों तक पंजाब की नाभा जेल में बंद रहे दलजीत सिंह बिट्टू का भी यही कहना है कि एक ना एक दिन खालिस्तान तो जरूर बनेगा। बिल्कुल कोई खत्म नहीं हुई मैं सामने बैठा है खत्म की हुई असि ज्यौदे जागते हैं साडे दिलां च मूह च आई है तो बार भी आएगी तो सारे सिखा दे मन च आ पावे कॉन्शियस रूप च कई कई जा रहे मन से तो है ही है अभी भी तक लोगों के दिलों में ये है मास अपील आम लोग आम जनता पंजाब में खालिस्तान चाहती है जिन्हों वो पवान ना कह पर अंदर सब दुख आया पवान एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा पर एक अंदर एक जिनका बीज रूप चो पिया जो हर रोज अरदास करते हैं जो सुपना भी होंगे जो तो वो अपने आप से एक खालीपन महसूस करते हैं वो एक यही होगा कि जो साडा विजन है जो साडे राह है जो साड़ी डेस्टिनी है वो ये नहीं कि जो इस वेले सानू इस सिस्टम इंडियन सिस्टम के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जकड़ के नकड़ के रखा गया कि नहीं वो यही है सब गल मन च आ जवान ते आनी है जी जवान आने जाहिर होना है फॉर्म लेनी पैनी है।